अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मौला किचन। देखिए आज मैं क्या लेके, आज की रेसिपी हमारी शोरफरमा है। ये रमज़ान की ईद है ना, आज चांद रात है, इसलिए मैं बोली आप लोगों को दिखाना मैं शोरफरमा कैसा बनाती हूँ। चलो आइए मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लिया। ये है सेवियाँ है, ये 50 ग्राम सेवी है, ये 50 ग्राम है। और ये काजू है, काजू 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, ये भी 100 ग्राम है, बादाम है ये, और ये चिरौंजी है 100 ग्राम। अब इसको भून के इसका छिलका निकालना है। चिरौंजी का मतलब चारोली भी बोलते हैं, चिरौंजी भी बोलते हैं उसको। और ये पिस्ता है, ये भी 100 ग्राम है, ये 200 ग्राम है। खजूर है, खजूर है, ये छुआरे भी बोलते हैं, हम बाद लोग काट के भी डालते हैं तराश के बारीक बारीक। मैं तो साबित डाल दी, गुठली निकाल दी मैं इसमें से, मिला करके गुठली निकाल के साफ करके रख ली मैं इसको, तो साबित डाल दी। हमारे अम्मी लोग साबित डाल देते तो हम भी साबित डालते इसको। और ये थोड़े काजू, थोड़े बादाम, थोड़े पिस्ता है, इसको पीस के ग्राइंड करके लगाना है उसको शोरफरमे को। ये केसर के धागे हैं थोड़े से, मैं कैसा बना दूँ दिखाते हैं आप लोगों। थोड़े 8-10 इलायची है, ये मिल्क पाउडर है, देखिए इसमें से आधा लगता मेरे को। 1 लीटर दूध का बना रही मैं, दूध तो मैं फ्रिज में रखी, अभी दिखाती हूँ आपको। ये असली घी है, ये देसी घी, ये मिल्क पाउडर है, ये भी 150 ग्राम है, ये 150 ग्राम है। मैं ज़्यादा मंगा ली थी तो थोड़ा निकाल ली मैं उसमें, 150-200 ग्राम तो है समझेगी। तो मैं दूध दिखाती हूँ, 1 लीटर दूध का बना रही मैं, तो इतना मीटर ले ली। अब इसको भूनना है, इसका छिलका निकालते, जैसा मूँगफली जैसा भूनते अपन वैसा भून के निकालना तो जल्दी होता। नहीं तो अब थोड़े लोग पहले क्या करते थे, उसको भिगा के रख के निकाल देते, टाइम लगता बहुत लेट होता वो, तो भूनना, भून के उसका छिलका निकालना। चलिए चूल्हे कन चलते हैं, मैं दिखाते हूँ आप लोगों को कैसा बना। तो सीखा दी, कढ़ाई रख दी चूल्हे पे, देखती दूध के लिए, देखती भी बोलते हैं, पतीला भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा पानी डालना, नहीं तो दूध दाग लग जाता, तले को लग जाता उसको। चलिए पानी डाल दी मैं, अब इसमें डालना है दूध। 1 लीटर दूध है ये भैंस का दूध, तो 1 लीटर का बना रही हूँ मैं ये, ठीक है, डाल रही हूँ उसमें। इधर दूध गर्म होते रहता हमारा, बाजू के चूल्हे पे मैं ड्राई फ्रूट रखती हूँ, ड्राई फ्रूट तलती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। 1 लीटर दूध का बना रही हूँ मैं, हमारी फैमिली छोटी है, थोड़ा सा बना रही हूँ मैं। चलिए दूध गर्म होते रहता है, बाजू के चूल्हे पे चढ़ा दी। अब इधर तलना है ड्राई फ्रूट चिरंजी, इसको भून के इसका छिलका निकालना है। सेम मूंगफली कैसा करते वैसे करना है इसको, सेम भीगे तक लेट होता बहुत, क्योंकि मेरी चिरंजी आवाज़ कर रही और खुशबू भी आ रही भुने गई सो। अब निकाल रहे हैं तो अब इसका छिलका आसानी से उतर जाता, भिगाना नहीं कभी, बहुत टाइम लग जाता लेट, ये अर्जेंट होने वाला है ऐसा। भुंडी में उसको ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा करना। चलिए अब इसमें घी डाल दूँ, थोड़ा सा 1-2-3 चम्मच घी डाल के इसको ड्राई फ्रूट को तल लेना है। ये काजू है, काजू को तल रहे पहले। चलो काजू डाल दी, सॉरी वो बादाम थे, ये काजू है। काजू बादाम डाल दी, पिस्ता डाल दूँ, वह मिला के तल सकते। देखिए गोल्डन कलर आ गया, ये काजू बादाम पिस्ता। अब इसमें चिरौंजी डाल दे रही हूँ,
चिरौंजी का इसका छिलका उतार लिए, ये चिरौंजी है, काजू बादाम पिस्ता चिरौंजी पूरा मिला के ब्राउन कलर कर लेना, इसको तल लेना। उधर बाजू के चूल्हे पे दूध गर्म हो रहा, मैं ड्राई फ्रूट तल ली, अभी मैं दिखाती हूँ कैसे कैसे बनाना है। काजू बादाम पिस्ता पीसना भी है, अभी इसको पाउडर बनाना है इसको लगाने के लिए, मैं दिखाती हूँ। हमारी वीडियो पे आखिर तक बने रहे और देखिए मैं कैसा कैसा बना रही हूँ। ये शुरखुरमा बहुत ही मज़े का बनता, ये शुरखुरमा है, शाही शुरखुरमा है, ये बहुत ही अच्छा बनता है। ये अगर एक बार पियेंगे ना फिर वही आदत हो जाएंगी, फिर मेरे जैसा बनेंगे आप लोग। अभी गोल्डन कलर हो गया, अब निकाल रहे हैं इसको। देखिए ड्राइफ्रूट का कलर अच्छा चेंज हो गया, ब्राउन कलर का हो गया। अब मैं निकाल ले रही हूँ इसको एक प्लेट के अंदर, पूरा ड्राइफ्रूट है इसमें, चिरौंजी भी सब है। ये कलर आना, ज़्यादा भी कलर आ गया तो क्या है, मज़ा चेंज हो जाता है उसका। सिम पे रख के तलना था इसको। देखिए मैं ड्राइफ्रूट हटा दी, मैं घी डाल रही हूँ फिर प्यान में, कढ़ाई में। मैं थोड़े से सेवियाँ तल ले रही हूँ, 50 ग्राम है वो। अच्छा गोल्डन कलर होना इसका, कलर तो है मगर भुनना सेवी को अच्छा। ये सेविंग का कलर अच्छे से आ गया, पूरा अच्छा ब्राउन कर ली मैं, तल लिया। अब हटा दे रही हूँ इसको चूल्हे पे से, ठीक है अभी हटा रही हूँ। अभी ये ड्राई फ्रूट केसर के धागे है ना, इसमें थोड़ा सा दूध डालना, कलर अच्छा छोड़ता है नहीं। थोड़ी देर से डालना है इसको, यहाँ रख रही हूँ। अभी ग्राइंड करके बताते हैं आपको। ये इतने इलायचियाँ भी, इतने इलायची और ये मिला के पीस दे रही हूँ, इसमें पीस के बताते हैं। एक खजूर डाल दे रही मैं इसमें, मैं साबित खजूर डाल रही हूँ, हमारे अम्मी डालते थे साबित, तो इसलिए मैं भी साबित डाल के बनाती हूँ। मिल्क में डाल के बना लेना, इसलिए शक्कर का खर्चा कम आता है, शक्कर कम डाल रहे, इतनी शक्कर डाल रहे। मिल्क में और मिल्क पाउडर सब डाल दी उसमें, मैं ये शक्कर डाल दी। अब इसको दूध डाल के मिलाना है, क्योंकि तो गर्म में नहीं डालना, गुटलियाँ बन जाते इसके। दूध में मिला रही हूँ इसको, मिल्क पाउडर है ये। लम्स नहीं आने देना है इसमें, पूरा अच्छे से मेल्ट हो जाना ये। देखिए ये मिल्क पाउडर है भाई, ये दूध में घोल ली, इसको घोल बना के इसको लगाना है, लम्स नहीं आना है इसमें, गुटलियाँ नहीं रहना। गुटली नहीं है मेरे पास, चलिए डाल दी मैं अभी इसमें। अभी केसर वाला दूध भी डालना है इसमें, दही देर से डाल दिया, अभी ये डालती मैं अभी इसमें। ये ड्राई फ्रूट ग्राइंड कर ली थी ना, ये डाल दे रही। एक काजू बादाम का पेस्ट बना ली सो मैं, ये अभी लगा दे रही हूँ काजू बादाम का पेस्ट। ऐसे थोड़ा सा पानी डाल के साफ करके लगा देना इसको। एक केसर वाला दूध डाल दे रही हूँ इसमें,
ये डाल दी इसमें। अब इसमें डालना है ड्राई फ्रूट, थोड़ा रख ले रही मैं, फिर उसके ऊपर गार्निश करने के लिए होना। इस जार से पानी भी डाल दे रही हूँ क्योंकि तो कुछ ज़्यादा था अंदर। अभी अच्छा 5-10 मिनट पकाना है इसको दम पे रख के, अच्छा सोना होता 10 मिनट के लिए रखना है चूल्हे पे। शाही शुरखुरमा बहुत ही टेस्टा बनता है, बहुत मज़े का। अब इसमें मिल्क डाल दे रही हूँ, मैं कितना डालती हूँ देखिए, थोड़ा है ना तो इसलिए इतना डाली। अब रख ले रही हूँ इतना, फिर दोबारा कभी भी बना सकते हैं। अपने हिसाब से देख के डाल लेना। आधा डाल दी समझो, आधा ले ली मैं, फिर एक टाइम बनाने के लिए रख ले रही हूँ। अब इसमें डालना है सेमी, सेमी डाल दे रही हूँ, सेमी डाल के अच्छा उसको दम पे रखना, पकाना एक 5-10 मिनट। पका पका के मैं आपको दिखा दूँ कितना अच्छा बनता है ये। तो ड्राई फ्रूट जो पीसे ना उसमें इलायची भी थी, डाली थी ना, दिखाई ना मैं आप लोगों को 8-10 इलायची। देखो अच्छा ठीक होता है ये। देखिए शुरखुरमा बनके तैयार होगा, रेडी होगा, कैसा खोल रहा शुरखुरमा, ये कैसा पकड़ा देखिए, अच्छा ठीक होगा ये। अभी ठंडा होकर अच्छा ठीक होता, अच्छा गाढ़ा होता, कलर भी कितना अच्छा आया। अभी दम पे रख रही मैं थोड़ी देर तक, क्यों तो बहुत ही अच्छा दिख रहा, खुशबू भी आ रही। देखिए हमारी रेसिपी पसंद आई तो आप लोग भी ट्राई करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, देखिए कमेंट करिए, अपने अपने दोस्तों में शेयर करिए। देखिए बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त शुरखुरमा बन गया हम लोगों का। चलिए अगली वीडियो